ये देखिए, एक नया ट्रेंड पता चला है जिसमें फेसबुक के माध्यम से और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो गे वेबसाइट्स हैं, तो प्लैनेट रोमियो एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से ये लोगों का से संपर्क बनाते थे, और विशेष करके ऐसे लोगों से जो जिनका मैरिज पार्टनर से तलाक हो गया है या जो अनमैरिड लोग हैं, तो उनसे वो सेक्सुअल झांसा दे करके उनसे संपर्क करते थे और उनके घर जा कर के उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे उनका पासबुक, उनका फ़ोन सिम और साथ साथ उनका जो अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसकी जानकारियां ले लेते थे और 2 दिन 3 दिन रहने के बाद धीरे से उसे गायब हो जाते थे, और फिर उस जो उनकी फाइनेंशियल जानकारी है उससे उनका पैसा अपने किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। और इस तरह से ये बहुत सारे लोगों से संपर्क करता था ये लड़का। तो अभी तो ये पता चला है, जिसमें हमें रिपोर्ट हुई थी हमारे साइबर क्राइम ने था, जो फ्रॉड हुआ था उसकी रिकवरी की, उससे जो सामान लिए गए थे वो सामान रिकवर किया, और लगभग 3 लाख रुपए जो कैश था, एक तो खाते में जो था उसको सीज किया गया, और उस खाते से जो ट्रांसफ़र कराया गया वो पैसा। तो इस तरह से बहुत अच्छी रिकवरी की, और जिस टीम ने हमारे काम किया, राजीव तिवारी जी हैं इंस्पेक्टर हमारे सर्विलांस थाने के, और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है, और उनको 5,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया गया है। और ये मैं देख रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो अनवांटेड वेबसाइट्स हैं, अनवांटेड जो चैट्स हैं फेसबुक से या व्हाट्सएप से, वो न करें लोग, क्योंकि उनके साथ धोखा हो सकता है। अनजाने व्यक्तियों से किसी प्रलोभन में आकर के अपनी सूचनाओं को कभी शेयर न करें, उनको घर में न रहने दें, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल फ्रॉड, कल हो सकता है कि शरीर संबंधी अपराध हो जाए, उनको मार दिया जाए या उनके साथ कोई घटना हो उनके परिवार में, तो इस तरह के भी अपराध हो सकते हैं। तो बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, किसी भी अननोन आदमी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, उससे अपनी कोई प्राइवेसी शेयर करने की बात नहीं है, उसको घर में जगह देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये बातें आप लोगों को बताएं, जिससे कि जो हमारा साइबर क्राइम है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, वो कम हो।